नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका वापस स्वागत आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, जो सर्टिफिकेट है वो सत्य है या नहीं है। दोस्तों, यह है आपके सामने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, इसमें पूरी जानकारी है। दोस्तों, ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं है, ये एक प्रमाण है कि आप वैक्सीन ले चुके हैं। ये प्रमाण है आपकी ईमानदार प्रयास का कि आप वैक्सीन लेने के साथ दूसरों को भी बीमारी नहीं फैलाना चाहते हैं। दोस्तों, अब इसको कैसे वेरीफाई करें, तो मैं एक ऑप्शन बताऊंगा आपके सामने। आपको कोविन वेबसाइट पे जाना है। कोविन वेबसाइट जब आप जाओगे तो आपके सामने ऑप्शन देगा वेरीफाई, आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे, वहां पर एक ऑप्शन आएगा स्कैन QR कोड। तो दोस्तों, ये जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, इस सर्टिफिकेट में ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है QR कोड, और यही इसकी जान है। सारी जानकारी इसी QR कोड के अंदर है। तो जैसे ही वो QR कोड का ऑप्शन आपसे मांगेगा, आपको अपना मोबाइल इस पर कैमरा इस पर फोकस करना है, और कुछ ही सेकंडों बाद वहां पर ऑप्शन आएगा वेरीफाइड सक्सेसफुली। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे लॉकडाउन खुला है, उसके बाद कई राज्य सरकारों ने कंपलसरी कर दिया है कि जिस ऑफिस में है, जिस डिपार्टमेंट में है, आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट प्रदर्शित करना या दिखाना जरूरी है। इसके अलावा जब आप इंटरनेशनल ट्रेवल करेंगे, या हो सकता है आने वाले समय में जब सोशल इंटरेक्शन होंगे, तो आपसे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने को कहा जाए, और उस समय इसको जांचा जा सकता है। तो दोस्तों, इसलिए इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी। आप चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें, ताकि जैसे कोई नई चीज हो, नया अपडेट हो, मैं बता सकूं, आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच सके। धन्यवाद।